तो भाई जब हम दर्शन म्यूजियम दिखा रहे तो चलिए आपके साथ म्यूजियम ये देखो ये बना हुआ है। तो गणपति अब हम आगे दिखाते हैं, आगे देखो तो इस तरह से यहाँ पे भी मूर्ति बनी हुई है जिसका यहाँ पे लग रहा है चतुरस्थ अग्नि, चतुरस्थ अग्नि ये मूर्ति। फिर हम आगे आगे इस बात के लिए यहाँ पे बनी हुई है हर किसी देश में जाऊँ करती है मूर्ति बनी कैसा लग रहा है। आगे बनी हुई यहाँ पे अनल वस्तु जी की मूर्ति यहाँ पे बनी हुई कैसे लग रही है आपको। तो गाइस अब हम आगे बात करें देखो वहाँ पे उमा महेश्वर जो कि उमा महेश्वरी ये उनका बना हुआ है। आगे अगर बात करें तो भी यहाँ पे अंधकासुर, अंधकासुर जिनका बहुत बुरा था ये उनकी मूर्ति जो हम आपको। अब आगे बात करें तो ये तपस्या पार्वती, ये गाइस तपस्या पार्वती की मूर्ति अब हम आपको ये हरिहर और विष्णु, हरिहर और विष्णु की मूर्ति बहुत शानदार है। अभी भी बहुत शानदार मूर्ति तस्वीर वगैरह लगी आप देखो कितना शानदार है, बहुत ही शानदार है। देखो मूर्तियाँ वगैरह यहाँ पे लगी हुई है तो आप देखो। तो गाइस ये देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं तो आपको कैसी लग रही हैं। ये देखो बहुत शानदार मूर्तियाँ, ये देखो यहाँ पे भी लगी हुई हैं, ये देखो आप। और ये देखो कुछ तरीके से यहाँ पे भी लगी हुई हैं मूर्तियाँ, ये देखो आप देखो बहुत ही शानदार। और आगे ये देखो यहाँ पे भी बनी हुई है, ये देखो यहाँ पे भी बनी हुई है, ये देखो बहुत ही शानदार है। देखो चामुंडा इनकी मूर्ति टेम्पल में बना हुआ है। अब आप आगे देखिए पाल कुबेर, ये दिग्पाल कुबेर जी की, तो हम आपको आगे दिखाते हैं। आगे जो आपको दिखे तो ये भी दिग्पाल जी की ही बनी हुई है, जो आपको दिग्पाल आगे अगर बात करें तो ये द्वारपाल, द्वारपाल जी की है, द्वारपाल जी अब आपको आगे देखो ये नाग संपत्ति के लिए बना हुआ है, नाग संपत्ति जी लाइए नाग संपत्ति का टेम्पल बना हुआ है। चमरदार मस्जिद का टेम्पल ये बना हुआ है, आगे बात करें तो ये बना हुआ है दीपपाल जी का, ये दीपपाल जी का बना हुआ है टेम्पल आपको कैसा लग रहा है। आगे दिखा सकते हैं आगे बात बना हुआ है चतुर्थ विष्णु जी की, जो कि आपको चतुर्थ विष्णु जी का दिखाई दे रहा है मंदिर टेम्पल बना हुआ है। आगे बात करें नरवरा, नरवरा जी एक मूर्ति है, नरवरा जी का टेम्पल बना हुआ है नरवरा। गजासुर संहार ये बनी हुई है, गजासुर संहार जी की मूर्ति बनी हुई है टेम्पल बना हुआ है। आगे बात करें ये अग्नि एवं अनल वस्तु, ये बनी हुई अग्नि एवं अनल वस्तु बना हुआ है, आपको ये खंडित सप्त मार्ग का फलक, खंडित सप्त मार्ग का फलक यहाँ पर बना हुआ है, तो आप देख रहे हैं इसको कैसा दिखाते हैं वहाँ को। ये द्वार पालिका जी, ये द्वार पालिका जी यहाँ पर बना हुआ है। आगे अगर बात करते हैं आगे, आगे बात कर दीजिए शिशु जन्म योजना बना हुआ, शिशु जन्म बना हुआ है। आगे आगे बात करना है ये बना हुआ है प्रेम युगल एवं शक्ति पोषण प्रतियोगिता बना हुआ है। तो आगे देखिए आगे यहाँ पे बना हुआ है सुंदरी जी के बनती है, तो अब आप आगे आगे बात कर दीजिए रोहिणी आकृति, रोहिणी आकृतियों की बनती है बहुत ही शानदार है। आगे बात करिए चतुर्थ पूजा, चतुर्थ पूजा
को आप देखेंगे ये स्थान कब है, ये स्थान में पूजा करके आगे की बात करोगे भावना स्थान सूर्य ये भावना स्थान सूर्य आगे आप ये स्थानक सुंदरी आगे आपको बात करेंगे साइन विष्णु जी का बना हुआ है तो वे जितने भी अभी मंदिर टेम्पल जो बने हुए उनकी बात हो गई। अब हम आगे आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं जो कि मैंने पिछले तो दिखा थी लेकिन थोड़ी और तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ तस्वीरें होगा अलग अलग तरह की बनी हुई है जिनको बहुत ही शानदार लगे आपको दिखा दूँ चारों तरफ। तो गाइस यहाँ पे पुराने पत्थर वगैरह लगे हुए हैं, देखो बहुत ही शानदार है, देखो पुराने पत्थर वगैरह लगे हुए हैं तो आप देखो ये देखो कितना शानदार लग रहे हैं, देखो पत्थर वगैरह है, देखो ये जो पहले राजा महाराजों के पत्थर वगैरह लगे। तो गाइस ये देखो यहाँ पे तलवारें वगैरह बनी हुई हैं तो आप देखो ये देखो बहुत ही शानदार तलवारें वगैरह बनी हुई है, तो ये देखो आप कितने शानदार तलवार यहाँ पे बनी हुई, ये तलवार गन ऐसे बोल, और ये देखो ये तीरें वगैरह यहाँ पे बनी हुई हैं, ये देखो तो गाइस यहाँ पे गन वगैरह लगी हुई हैं तो आप ये देखो बहुत शानदार गने लगी हुई हैं। तो गाइज हमने आपको सुकमेल का म्यूजियम दिखाया, म्यूजियम कैसा लगा आपको, म्यूजियम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि हमने म्यूजियम बहुत अच्छी बहुत शानदार शानदार चीज़ें हमने आपको दिखाई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।